ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना भी जाने जाने, दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया, सजदे में ऊपर वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गौतम, आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज की सक्सेस स्टोरी में। दोस्तों, शुरुआत में गाना सुन लिया होगा आपने कि ये जिंदगी ऐसी चीज है, ऐसी बला है कि अगर ये दिल तोड़ देती है तो साथ ही साथ इसे जोड़ने का मौका भी देती है। आज की सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी क्योंकि एक ही टाइम पे दो लाइफ के सबसे बड़े गोल अचीव हुए हैं। जैसे सक्सेस स्टोरी मैंने पढ़ी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि जो भी थोड़ी सी उदासी जीवन में आई है उसे थोड़ा सा मोटिवेट करें। और चलिए ज्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है चित्रा ने, तो चलिए चलते हैं सीधे सक्सेस स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में मैंने ये चीज देखी थी कि सर, सक्सेस स्टोरी जो आती हैं उनके आप स्क्रीनशॉट भी बताया करें, तो मैंने कहा चलिए आज से शुरू करते हैं ये नया रिचुअल। तो स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिए एक बारी स्क्रीनशॉट और फिर हम शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी को टाइटल दिया है चित्रा ने, मैजिक हैपेंस हियर, जो हमारी टैगलाइन है। हमारी टैगलाइन क्या है कि मैजिक हैपेंस हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंजल गुरु, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। और एक चीज और दोस्तों, कि ये सक्सेस स्टोरी पूरी इंग्लिश में है तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बता पाऊं। माई नेम इज चित्रा एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई कैन नॉट स्पीक हिंदी दैट मच, सो आई एम राइटिंग माई सक्सेस स्टोरी इन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ यू आई हैव अचीव्ड टू मेजर गोल्स इन माई लाइफ। आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स तो थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चित्रा के आपने सक्सेस स्टोरी भेजी। अगर आप सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो ये आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसकी मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने तो ये समझ ही गए होंगे वो वेस्ट बंगाल से हैं, उनका नाम चित्रा है। उन्होंने दो बड़ी चीज़ें लाइफ में अचीव की हैं। आई वॉज एंगेज्ड इन फेब्रुवरी 2019 बट माई एंगेजमेंट ब्रोक आफ्टर अ मंथ। इट वॉज अ मैच माई फैमिली फाउंड फॉर मी। I really love that person. They said due to my height, they broke our engagement. तो चित्रा बताती हैं कि 2019 फरवरी महीने में उनकी सगाई हुई थी एंड एक महीने के बाद वो सगाई टूट गई। ये जो मैच था, यानी कि जो रिश्ता फिक्स हुआ था, ये उनकी फैमिली ने ही पसंद किया था और वो उस इंसान को बहुत पसंद करती थी, प्यार करती थी, और उन्होंने सगाई तोड़ने का रीजन दिया, कारण दिया उनकी हाइट। तो आगे बढ़ते हैं। माई हाइट वॉज 4'11" एट दैट टाइम। आई डोंट नो वॉट टू डू। आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर दैट एंगेजमेंट ब्रो। तो चित्रा बताती है कि उनकी हाइट 4'11" थी उस समय, और उन्हें नहीं पता था कि भाई क्या करना चाहिए। तो उस समय वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोज देखती थी जब उनकी एंगेजमेंट ब्रो हुई, यानी टूट गई। सो मूविंग ऑन, आई वॉज होपलेस एंड हर्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस। My age was 25 and I heard that height won't grow after 18. तो चित्रा बताती हैं कि भाई ये जो समय आया था तब बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत दुखी हुई थी, हर्ट हुई थी। और ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, किसी भी इंसान यही फीलिंग को महसूस करेगा क्योंकि उनकी एज 25 साल की थी उस टाइम पे, एंड उस समय उन्होंने ये सुना था कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, जो कि उनका एक कारण था एंगेजमेंट टूटने का, हाइट जो 4'11" थी। सो मूविंग ऑन, आई वॉज लुकिंग फॉर अ मिरेकल। मीन वाइल आई हैव ज्वाइंड सर्वल कोर्सेज बट नथिंग हैपन्ड, नथिंग चेंज्ड। हाइट वॉज सेम एज वेल एज रिलेशनशिप वॉज ब्रोक।
सुचित्रा बताती हैं, अब इसी दौरान वो एक जादू ढूंढ रही थी। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान चाहेगा कि जादू हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए, लेकिन ना उनकी हाइट बढ़ी ना ही रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आया, वो वैसे का वैसा था। आई वॉज वेरी वनरेबल, इट वॉज लाइक अ डेड एंड बिकॉज 10 months हैज बीन पास्ड एंड नथिंग चेंज्ड। तो चित्रा बताती है शी वॉज वेरी वनरेबल, यानी कि बहुत ही दुविधा वाले स्टेज में थी, बहुत ही कहते ना एक डेस्परेसी का स्टेट। अब इसको मैं कैसे एलिब्रेट करूँ, आप समझ जाइए अगर आप इस जगह पे होंगे तो क्या महसूस कर सकते हैं। इट वॉज लाइक अ डेड एंड, यानी कि रास्ता खत्म, दी एंड खत्म हो गया, क्योंकि 10 महीने बीत चुके थे और कुछ चेंज नहीं हुआ था। देन आई केम अक्रॉस टू योर चैनल एंड सडनली आई वॉज एट पीस विथ माई सेल्फ वाइल वॉचिंग योर वीडियोज। थैंक यू सो मच चित्रा, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। चित्रा बताती हैं कि 10 महीने के बाद उन्होंने मेरी चैनल का शायद कोई वीडियो देखा होगा, उन्होंने मेरी चैनल मिली तो वीडियोस देखते हुए शी वॉज पीस विथ हर सेल्फ, यानी कि एक शांति महसूस हुई उन्हें, अच्छा लगा। और फिर वो बताती है कि उन्होंने और वीडियोस देखी। आई हैव ऑल्सो ज्वाइंड योर कोर्स इन जनवरी 2020 बट आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड सम अदर कोर्सेज फ्रॉम अदर कोचेस बट आफ्टर लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम दे से दे कैन नॉट हेल्प whether you came as an angel to me in dark। तो चित्रा बताती हैं कि उन्होंने फिर कोर्स भी ज्वाइन किया जनवरी महीने में, हमारा जो कोर्स है, और उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कोर्स ज्वाइन किए थे, लेकिन जो कोच थे, जो मेंटोर थे, वो कहते थे कि वो मदद नहीं कर सकते उनकी। और वो आगे बताती है, इतने में आपने मेरी हेल्प की। तो आगे बढ़ते हैं, चित्रा लिखती हैं, आई वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो वॉट टू डू फर्स्ट गेट हिम बैक और फर्स्ट फोकस ऑन माई हाइट एज माई मेन कंसर्न वॉज हाइट बट आई वॉज सो रॉन्ग एज आई स्पोक टू यू एंड आई रिमेंबर वॉट यू सेड। आर यू फेमिलियर विथ अवर टैग लाइन, इट्स मैजिक हैपन्स हियर, जस्ट बिलीव एंड यू विल रिसीव डियर। तो चित्रा यहाँ पे बताती हैं कि वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी ये कंफ्यूज थी कि पहले फोकस किस पे करना चाहिए, हाइट के ऊपर करना चाहिए या रिलेशनशिप के ऊपर करना चाहिए। फिर वो बताती है कि उनकी मेरे साथ बात हुई थी, तो दोस्तों जब उनसे बात हुई थी तो सिर्फ ये जो चीज़ मैंने कही थी, उन्होंने सेम एग्जैक्ट वही शब्द लिखे हैं। मैंने उन्हें पूछा था कि आपको पता है हमारी टैग लाइन क्या, आप सबको पता है वॉट इज आवर टैग लाइन, दैट मैजिक हैपन्स हियर। तो बताती हैं इट्स मैजिक हैपन्स हियर एंड देन मैंने कहा था कि आपको बिलीव करना है इस चीज़ पे, जस्ट बिलीव इट एंड यू कैन अचीव इट। ओके सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड दिस कोर्स बाय 29th January 2020 विद इन 3 months। आई कैन नॉट इमेजिन इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज मैजिक फिगरेटिवली हैपन्स। माई हाइट इज नाउ 5'1" एंड आई वॉज सो अमेज एंड हैप्पी बट स्टिल एंगेजमेंट वॉज ब्रोक सो स्टिल आई वॉज सफरिंग। तो यहाँ पे चित्रा बताती हैं कि 29 जनवरी को उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, 3 months में उन्हें उनकी जो हाइट है वो 4'11" से 5'1" यानी कि पूरी 2 inch बढ़ी। वो खुश भी थी और लाइक जैसे सच में एक मैजिक नहीं हो गया उनकी लाइफ में, ऐसा वो बताती हैं। लेकिन अभी भी वो सफ़र कर रही थी, परेशान थी, क्योंकि जो रिलेशनशिप था वो स्टिल ऐसा का ऐसा था। 16th April एज यू गाइड मी फॉर वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट as you mentioned in your videos, honestly, no one before told me about this thing. But when I understand the conflict between me and universe, game changed. तो ये बताती हैं चित्रा कि 16 अप्रैल को जब उनकी मेरे साथ बात हुई थी तो अब हाइट का तो ठीक है, हो गया और होगा। फिर बात आती है रिलेशनशिप की, तो तब हमारी बात हुई थी, जैसे मैंने एक कल के वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि आपके यूनिवर्स के साथ जो वाइब्रेशन है, जब वहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। और जैसे कल के वीडियो में ही दोस्तों मैंने बताया था कि वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर बताते हैं जब उन्हें मैंने गाइड किया वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो वो आगे लिखते हैं गेम हैज चेंज्ड। फिर दोस्तों उन्होंने वो सीक्रेट चीज मेंशन की है जो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि फिर सब कमेंट में ये बोलेंगे कि सर हमें भी करनी है। लेकिन इसके लिए मैं एक ही चीज कहता हूं, जेन्युइनली अगर ये प्रॉब्लम है, सफर कर रहे हो, तो ही इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। इस चीज़ की बात थोड़ी देर बात करेंगे, एक पॉइंट रुक जाइए जो उन्होंने मेंशन किया वो बाद में क्लियर करते हैं। ओके, यू सेड इट विल वर्क विद इन 30 days बट इट वर्क फॉर मी विद इन 14 days। 4th of May लाइफ वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। माई एक्स फियांसे
दिबाकर कॉल ही सेड आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अस अगेंस्ट माई फैमिली एंड फाइनली वी वॉन आई कन्विंस देम फॉर अस एंड दे फाइनली कन्विंस्ड आफ्टर लिसनिंग दिस आई सेड टू हिम एंड आई स्वेयर टू गॉड थैंक यू ऋषभ सर ही सेड वॉट ओके तो चित्रा यहाँ पे बताती हैं कि जब आपने मुझे सजेस्ट की वो चीज़ करने के लिए वो चीज़ हो गई उसके बाद मेरी बात हुई थी कि विद इन 30 डेज में प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी हो ही जाएगी कोई नहीं रोक सकता इसे तो विद इन 14 डेज में सब कुछ क्लियर हो गया। 4 मई को वो बताती हैं कि उन्हें उनके एक्स फियांसे जो थे दिबाकर उनका कॉल आता है वो उन्हें बताते कि मैंने बहुत कन्विंस किया फाइट की लास्ट में वो कन्विंस हुए और अब फाइनली हम जीत गए। सो, वो सुनते ही कहती हैं कि भगवान की कसम मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो थे थैंक यू ऋषभ सर। तो उनके फियांसे कहते हैं व्हाट क्या बोल रहे हो ओके सो ही सेड व्हाट आई सेड आई विल टेल यू लेटर बट यू नो व्हाट माय हाइट इज इंक्रीज्ड इट्स 5.1 ही सेड आर यू किडिंग मी हाउ कुड इट पॉसिबल एंड आई सेड व्हेन यू बिलीव यू कैन अचीव That was my story. I sincerely hope you will share my story. And once again, my angel guru, thank you so much. Magic happens here. Chitra. बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट की कुछ लाइन्स बता देते हैं फिर थोड़े कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों। चित्रा बताती हैं उन्होंने उनके फियांसे को कहा कि भैया मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है 2 इंच। तो वो कहते हैं ये कैसे हुआ हाउ कुड इट पॉसिबल क्योंकि कहते हैं ना 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रिप्लाई किया चित्रा जी ने वेन यू बिलीव यू कैन अचीव। और लास्ट में जो उनके शब्द थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा मैं गॉड ब्लेस यू भगवान करे आपकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल खूबसूरत बनते रहे। तो दोस्तों ये थी सक्सेस स्टोरी। अब इसकी कंक्लूजन की हम बात करते हैं। एक पोर्शन हमने छोड़ दिया था जहां पे वो कहती हैं वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए मैंने कुछ उन्हें सजेस्ट किया था कल के वीडियोज में और पिछले एक वीडियो में भी मैंने ये चीज पब्लिकली शेयर की थी लेकिन पूरी तरह शेयर नहीं की पूरी तरह मैं नहीं कर सकता और कुछ कंफ्यूजन है कि सर क्यों क्या चीज है ऐसी। तो दोस्तों कुछ 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 वाइब्रेशंस को रीच करने के लिए हमें उस पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत है अकेले इंसान का काम नहीं है इसलिए ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़े चार्जेस भी होते हैं लेकिन रिजल्ट 100% मिल जाते हैं हर एक इंसान के लिए नहीं है। तो इसका कोई ऑपोजिट वर्जन यानी कि कुछ फ्री में भी हो जाए ऐसा कुछ लाने की जरूर कोशिश करूंगा लेकिन अभी के लिए तो दोस्तों यही चीज है। उम्मीद करूंगा कि सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बस एक बात दिमाग में डाल लीजिए व्हेन यू बिलीव कंसीव यू कैन अचीव। वन मोर टाइम व्हेन यू बिलीव कंसीव यू कैन अचीव। कुछ भी पॉसिबल है अगर आप बिलीव कर सकते हो तो आज की सक्सेस स्टोरी से एक ही चीज सीखने मिलती है लाइफ है दोस्तों अपडाउन आते रहते हैं आएंगे या जिंदगी है आने ही वाले हैं लेकिन अपडाउन के बाद लाइफ एक मौका देती है खड़े होने का फाइट बैक करने का उसे चेंज करने का। तो अगर वो मौका आपको मिल रहा है तो अपना लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैजिकल चीज है यूज करिए बिलीव करिए। दो चीज और दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये तकलीफ थी कि सर आपने जो 101 प्रोग्राम बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 101 पीपल थे तो उसको चेंज करके अब मैंने 51 और कर दिए क्योंकि कल के दिन में सारे 101 खत्म हो चुके हैं यानी कि समाप्त हो चुके हैं अब जगह नहीं बची है और मेरे पास अभी क्षमता नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए इस प्रोग्राम में हेल्प कर सको। तो 51 लोगों के लिए एक बार और मैं ओपन कर रहा हूं तो सिर्फ 51 लोग व्हाट्सएप के नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको फटाफट से आपकी प्रॉब्लम मैसेज कीजिए। गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप एनरोल कर पाएंगे क्योंकि अगर बहुत जेन्युइन है तभी क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं होगी तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़े भयंकर हो सकते हैं। तो मेक श्योर अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है दोस्तों तो भी व्हाट्सएप कीजिए बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई और अंदर से एक आग लग गई है कि हमारी सक्सेस स्टोरी भी ऋषभ सर जरूर शेयर करेंगे तो अभी लाइक कर दीजिए कमेंट करके ये भी लिखिए कि आई विल शेयर माई सक्सेस स्टोरी सून ताकि आपका भरोसा सातवें आसमान पर चला जाए। नहीं पसंद आई वीडियो कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिए लेकिन कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपको क्या पसंद नहीं आया है अगले वीडियो में मैं उसे जरूर से इंप्रूव करूंगा। जो भी दर्शकगण श्रोतागण पहली बार चैनल पर आए हैं पसंद आई है सक्सेस स्टोरी मोटिवेशन बढ़ा है अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी अपडेट मिस ना कर पाए क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरी ऐसी टेक्निक्स मैं लाता रहता हूं रोज ताकि आपकी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन जाए क्या खूबसूरत बन जाए। बस दैट्स इट फॉर टुडे दिस इज योर गुरु योर मेंटर ऋषभ गौतम। सभी श्रोतागणों से मैं हाथ जोड़ के अनुमति लेता हूं आज्ञा लेता हूं आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।